हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 5 यूज़ ऑफ कैन और कैन नॉट। ये इंग्लिश ग्रामर का आपका सेक्शन है और उसका फिफ्थ चैप्टर है। यहाँ पे हम कैन और कैन नॉट का यूज़ करना सीखेंगे। कैन का मीन्स होता है जब आप किसी काम को करने में आपकी एबिलिटी हो और आपकी स्ट्रेंथ जब वहाँ पर हो जाए तो उस चीज़ के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। और कैन नॉट का मतलब होगा कि जब आप वो काम नहीं कर पाते हो, मतलब किसी चीज़ को आप करने में असक्षम हो, तो वहाँ पे वी कैन यूज़ कैन नॉट। तो देखते हैं, आई कैन रीड इंग्लिश। यहाँ पे एक बॉय है जो कि बोल रहा है कि मैं इंग्लिश को रीड कर सकता हूँ, लेकिन दोबारा वो उसी बात को कह रहा है कि आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश को तो रीड कर सकता हूँ लेकिन इंग्लिश राइट नहीं कर सकता हूँ। तो ये उसकी एबिलिटी हो गई कि वो इंग्लिश राइट कर पा रहा है, और ये उसकी डिसेबिलिटी हो गई कि वो इंग्लिश राइट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, यू कैन स्विम, तुम स्विम कर सकते हो। दे कैन नॉट स्विम, वे स्विम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैन और कैन नॉट का यूज़ पता चल जाता है। रूल नंबर 1 होता है, कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द सब्जेक्ट। कैन इज़ यूज टू गिव परमिशन। कैन का यूज़ हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को मैंशन करने के लिए, मतलब जो पावर होती है, पावर का मीन्स होता है शक्ति, एबिलिटी का मीन्स होता है योग्यता, और कैपेसिटी का मीन्स होता है क्षमता। जो सब्जेक्ट है उसकी पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे ये सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कोई भी ही, शी, इट, दे या फिर कोई भी नेम है, उसकी एबिलिटी, उसकी पावर, उसकी कैपेसिटी को मैंशन करता है। कैन इज़ यूज टू गिव परमिशन, और कैन का जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। कैन नॉट इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन फ्रॉम डूइंग समथिंग। जो कैन नॉट है वो प्रोहिबिशन को एक्सप्रेस करता है, मतलब किसी चीज़ को ना करना, तो उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट गिवन है कि यहाँ पे एबिलिटी शो की गई है ड्राइव ए कार, तो यहाँ पे अनिल के ऊपर राइट निशान बना रखा है, शरद के ऊपर रॉन्ग कर रखा है, और अनीता के ऊपर राइट कर रखा है। तो जब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है अनिल कैन स्पीक हिंदी। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कैन हिंदी, यानी कि इसमें उसकी एबिलिटी को देखना है पहले। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो लास्ट सेकेंड में स्पीक हिंदी लिखा हुआ है, और यहाँ पे अनिल के ऊपर भी राइट है और शरद के ऊपर भी राइट है और अनीता के ऊपर रॉन्ग है। तो यहाँ से हमें चेक करके इसको फिल करना है, तो अनिल हो जाएगा क्योंकि उसको यहाँ पे स्पीक हिंदी उसके ऊपर राइट है, यानी कि उसकी एबिलिटी क्यों कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनिल कैन स्पीक हिंदी, लेकिन शरद कैन नॉट ड्राइव ए कार। अब यहाँ पे कैन नॉट का यूज़ हमने क्यों किया है सेकंड वाले में, बिकॉज यहाँ पे ड्राइव ए कार में सिर्फ अनिल ड्राइव कर रहा है और अनीता ड्राइव कर रही है, बल्कि शरद को रॉन्ग कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे। बाकी सेंटेंस भी एज इट इज सेम, इसको देख करके ही करना होगा कि किस तरीके से कौन किस में किस चीज़ की एबिलिटी है। तो यहाँ पे हमने इसको फिल किया है। और थर्ड एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज में है कि कोई भी टास्क आप लिखो, उसे कैन का यूज़ करना बताओ कि किस तरीके से कैन और कैन नॉट का यूज़ बना सकते हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक्सरसाइज थर्ड में होता है कि कैन और कैन नॉट का यूज़ आपको यू सेल्फ अपने आप करना है कि किस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे द ट्रुथ कैन मेक अस फ्री, तो यहाँ पे पता है कि ट्रुथ हमको क्या कर देता है, फ्री कर देता है पूरी तरीके से, तो कैन ही आएगा। आई एम बिज़ी, मैं बिज़ी था, सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू। अब यहाँ पे रीज़न पता चल रहा है कि वो बिज़ी होगा तभी तो वो उसके साथ नहीं खेल सकता, तो हमने यहाँ पे कैन नॉट का यूज़ किया है। द मैजिक लैम्प कैन ग्रांट एनी विश, जो मैजिक लैम्प होता है उससे आप कोई भी विश मांग सकते हो। वी कैन नॉट अचीव एनी थिंग विदाउट ऑर्डर एंड क्लीननेस, कि हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते बिना ऑर्डर और क्लीननेस के। यानी अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है कि कैन का यूज़ कहाँ पे होता है और कैन नॉट का यूज़ कहाँ पे होता है। यूज़ ऑफ तंबाकू कैन लीड टू कैंसर, आप सबको पता है कि जो तंबाकू गुटखा वगैरह होता है वो कहाँ पे किस तरफ ले जाती है, हमें कैंसर की तरफ ले जाती है। अगर ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो कैंसर के शिकार हो जाओगे। फिर नेक्स्ट है 6th नंबर पे, द स्टार्स कैन नॉट शाइन ड्यूरिंग द डे। आप सभी को पता है कि जो स्टार्स हैं वो शाइन नहीं करते हैं ड्यूरिंग द डे में, यानी डे के टाइम पे, आफ्टरनून में शाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वी कैन यूज़ कैन नॉट। एंड 7 है, आई कैन नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर बिकॉज आई फील पेन इन माई टीथ। अब वो बता रहा है कि मेरे टीथ में पहले से ही मैं क्या फील कर रहा हूँ, पेन फील कर रहा हूँ, तो मैं ड्रिंक जो कोल्ड वाटर है उसको ड्रिंक नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे हमने कैन नॉट का यूज़ किया है। ए फायर फ्लाई कैन ग्लो इन द डार्क, ए फायर फ्लाई कहाँ पे ग्लो करता है, डार्क में, मतलब जो होता है ना नाइट में जो फायर फ्लाई करते हैं कीट पतंगे, वो कब ग्लो करेगा, डार्क के समय ही। दिन में ग्लो करेगा तो आप उसको नहीं देख पाओगे। इसी तरीके से 9th वाला है, आई कैन क्लीन माई रूम माई सेल्फ, और ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस टेबल।
तो ये बोर्ड पेपर में भी आया था 2017 में, इस टाइप का क्वेश्चन 9 वाला कि आई कैन क्लीन, मैं अपना रूम अपने आप साफ कर सकता हूँ. नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड, वी विल रीड नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो.